बीच आइए एक बड़ी खबर पर फोकस करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होती हुई दिख रही है और इस खबर पर फोकस करेगा। घरेलू बाजार में पेपर कंपनियों के लिए दाम बढ़ाने की तैयारी होती हुई दिख रही है, ये आपके लिए बड़ा एक्शन इस वक्त दिख रहा है। तो इन स्टॉक्स पर फोकस करिए जो आपके सामने आते हुए दिख रहे। पेपर कंपनियां दाम अपने बढ़ाते हुए नजर आ रही है। ओरिएंट पेपर, इमामी पेपर, जेके पेपर, ये सारी की सारी पेपर कंपनियां जो है इन पर फोकस करेगा। यहां पर दीपी ये बड़ी खबर है, बिल्कुल सर। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कंपनीज ने दाम बढ़ाए, कुछ लिस्टेड कंपनीज और कुछ नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं। जेके पेपर ने भी अपने दाम बढ़ाए हैं और इसलिए हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, आप देख रहे हैं पेपर स्टॉक्स में आज आपको बड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। एक कन्विक्शन कॉल भी रहा है कई समय से, अनिल जी से भी पेपर स्टॉक्स पर डिस्कशन हुई है, सेठी साहब, जैन साहब, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहे हैं और लगातार इस स्पेस में हमने देखा है रीओपनिंग ट्रेड जब से खुला था वहां से फोकस में आया है और लगातार फोकस में रहा भी है। और अब आप देख रहे हैं कि 3 से 5 रुपए प्रति किलो दाम यहां पर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं और सारे पेपर स्टॉक्स में अनिल जी अच्छा एक्शन भी आ रहा है। बिल्कुल, तो 3 से 5 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग 5% दाम बढ़ रहे हैं। 1 सितंबर से ये दाम बढ़ना लागू हो जाएंगे और ऑलरेडी अगस्त के महीने में 8% बढ़ चुके हैं। और ये दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है दीप की चाइना से जो इंपोर्ट होता था पेपर वो बंद हो चुका है, बंद हो रहा है। चाइना में प्रोडक्शन की बड़ी दिक्कतें आ रही है, एनर्जी और वो पावर सप्लाई वगैरह आ रही है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, उस वजह से ये सारे के सारे वहां पर प्रोडक्शन बंद पड़े हैं और उस प्रोडक्शन बंद होने का फायदा हमारे यहाँ की कंपनियां उठा रही है और दाम बढ़ा रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपके लिए बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, चाहे ओरिएंट पेपर देख ले, इमामी पेपर देख ले, वेस्ट कोस्ट देख ले, स्टार पेपर, ये सब आपके सामने आते दिख रहे हैं, जेके पेपर, ये सारे स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं। तो पेपर शेयरों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बड़ी खबर आती दिख रही है। इस पर भी एक बार राय लें, कुछ स्टॉक्स हैं जो चार्ट पर मजबूत दिख रहे हैं, उससे पहले जैन साहब जो पेपर स्टॉक्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं नजदीकी से और कई बार जैन साहब और सेठी साहब दोनों की रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार आए हैं ये पेपर स्टॉक। जैन साहब बताएं इस पर आपकी क्या राय है, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? बिल्कुल, देखिए अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक भी दे दूंगा साथ साथ ही, बहुत नेकी और पूछ बिल्कुल स्वागत है। इससे मतलब गजब की टाइमिंग, जैसे वो परसों जो हुआ था ना, वो सर मुंडवाते ओले गिरने वाली बात, परसों वो टेक्सटाइल स्टॉक्स में हुआ था मेरे साथ आरएसडब्ल्यूएम में, और आज बढ़िया चीज ये हुई कि पेपर स्टॉक ही में लेके आया हूँ, पदम जी पेपर प्रोडक्ट्स, 3P पदम जी पेपर प्रोडक्ट्स मेरा फेवरेट स्टॉक है। और अब मैं पेपर स्टॉक्स के बारे में आपने जो बोला तो इसका मैं एक बार टारगेट देता हूँ, 45 से 47 रुपए का टारगेट, 38 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये तो है ही है, पदम जी पेपर का भी मैं लॉजिक दूंगा, बट ओवरऑल पेपर स्टॉक्स पे आपने सही कहा अनिल जी, आपने भी, मैंने भी, सेठी साहब ने भी और बहुत सारे पैनलिस्ट ने एक के बाद एक स्टॉक्स दिए हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर मुझे याद है बहुत निचले लेवल्स पे, सेसासाई पेपर कल ही जबरदस्त परफॉर्म करा था, जेके पेपर तो लीडर है ही है, मैं एक छोटा स्टॉक था रुचिरा पेपर में, इनफैक्ट आज जेन साहब के जेम्स में भी देने की कोशिश करा था बट सुबह देखा तो ऑलरेडी सुबह स्पाइक खुला और 7-8% तेज था तो उसके बारे में इसलिए मैं जिक्र नहीं कर पाया। और स्टार पेपर है, मतलब और बहुत सारे, मतलब मैं तो नाम एक के बाद एक लेता जाऊं, और पदम जी पेपर में आज लाया हूं क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टॉक अभी भी कंसोलिडेटेड था, बहुत ज्यादा चला हुआ नहीं था तो इसलिए इसको दिया जाए। गजब की कंपनी, अगेन जेटीए ग्रुप की कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड और बहुत सारे काम करती है, इनफैक्ट ये एक कॉर्पोरेट एक्शन से ये कंपनी बेसिकली 2015 में सामने आई थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में, और जितने भी इनके पेपर रिलेटेड और हाइजीन रिलेटेड जो बिजनेसेस थे इसमें सब लाके एक स्ट्रेटेजिकली बॉम्बे हाईकोर्ट के थ्रू ये कंपनी आई थी और लिस्ट हुई है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी देखिए बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाती है, रादर देन नॉर्मल पेपर आप क्रेप टिश्यू एंड टॉवल्स, डेकोर ग्रेड, फूड ग्रेड के पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है, फार्मा ग्रेड वाले बनाती है, एक बाथरूम रोल्स बनाती है, नैपकिंस, ये सारे हम लोग यूज करते हैं हाइजीन प्रोडक्ट्स में, ग्रीन लाइन बोल के इनकी एक पॉपुलर ब्रांड है, और हालांकि पेपर से मेजॉरिटी वॉल्यूम्स आता है और अच्छे खासे इनके एक फोइथ पेपर मैंने एक बार रेकमेंड किया था तो जिसकी स्पेलिंग है VOITH और ये फोइथ सल्जर जर्मनी की मशीन्स लगा के इन्होंने अपने प्लांट को बनाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है 13 के P/E multiple पे ये स्टॉक बहुत सस्ता है, 37% की प्रॉफिट की कैगर रही है, 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और सबसे बढ़िया बात जून क्वार्टर बेहतरीन गया है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिया जून के क्वार्टर में, 18 करोड़ का पैट, पिछले जून में 14 करोड़ का पैट, तो इस तरीके की कंपनी है। मेरे हिसाब से ये मैंने 4 टारगेट छोटे दिए, बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट्स, और 50+ भी ये स्टॉक दिखाएगा आने वाले दिनों में। ये तो टारगेट आपने तब दिए थे जैन साहब जब आपको पता नहीं था कि पेपर के दाम 1 सितंबर से और बढ़ रहे हैं, करेक्ट, उसके पहले हाँ। के हाँ तो बिल्कुल इजीली अचीवेबल टारगेट्स हैं, और 47 और 49 रुपए के 2 टारगेट रखे अभी फिलहाल, और 8% बढ़ाने के बाद 5% और,
यानी कि टोटल 13% की हाइक ले रहे हैं। सुमित जी, आपकी रेंज वाला स्टॉक है ओरिएंट पेपर जो सबसे मजबूत है, 6% ऊपर दिख रहा है, पहले इसके चार्ट पर आप राय दीजिए। और उसके बाद एक और छोटा स्टॉक है स्टार पेपर भी, अभी छोटा इतना भी छोटा नहीं रहा, लेकिन हाँ फिर भी 200 रुपए का स्टॉक है, जरा इसके चार्ट पर भी एक बार मैं राय लेता हूँ कुणाल जी से, तो दोनों के चार्ट बताएं। पहले सुमित जी ओरिएंट पेपर। अनिल जी देखिए, पेपर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, न्यूज के बाद इंपैक्ट है। ओरिएंट पेपर के अंदर जो ऊपर में इमीडिएट हर्डल है 32 रुपए का है, जैसे ये 32 का लेवल ब्रेक करेगा तो रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो जाएंगे और उसके बाद स्टॉक में आने वाले दिनों में 35 रुपए से लेकर 38 रुपए तक का मूव ओरिएंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजिशन बना रखी है वो लोग होल्ड करें, 29 रुपीज का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, 32 का इमीडिएट हर्डल है, वो निकलने के बाद 35 से 38 रुपए तक का मूव ओरिएंट में देखने को मिल सकता है। ओके, ओरिएंट में देखने को मिल सकता है। स्टार पेपर, जरा कुणाल जी चार्ट देखिए। अनिल जी देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट है और स्टॉक में एक माइनर कंजेशन है अनिल जी, 199 के आसपास स्ट्रक्चर बड़ा ही जबरदस्त है, नीचे के लेवल्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, 199 जैसे स्टॉक निकालेगा तो फिर 260-265 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मेरी राय में इन स्तरों पर भी और 199 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर इसको शर्तिया बाय करना चाहिए, 260 रुपए का टारगेट। 260 या 207? 207-260 अनिल जी, 260, 260 रुपए, अभी 197 चल रहा है, 260, 260 रुपए का टारगेट है। आप तो एकदम भी बिल्कुल हमारे सेठी साहब की तरह बात कर रहे हैं। सेठी साहब का भी मैं पहले सोच रहा था वेस्ट कोस्ट पे भी राय लूं, हाँ। लेकिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही तो, क्योंकि सेठी साहब का आ गया मैसेज, बोले कि 560 रुपए पे मैंने रिकमेंड किया था वेस्ट कोस्ट, अभी हाल ही में रिसेंट पिक 600 रुपए हो गया और बोल रहे बहुत बढ़िया है, मतलब हाँ उनकी अभी भी बाय रिकमेंडेशन बरकरार है कि कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो वेस्ट कोस्ट पेपर तो उनका फेवरेट रहा ही है, कुणाल जी राकेश जी भी चार्ट, तो फिर मैं सोच रहा हूँ एक और स्टॉक है जिसपे चार्ट पर राय ले ली जाए, इमामी पेपर्स, ये भी 4% भागा, सेकंड टॉप गेनर दिख रहा है मुझे पेपर स्टॉक में। बंसल जी इमामी पेपर्स बताए सर। अनिल जी टेक्निकली देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, खरीदारी की राय है यहाँ पर, 175 के अराउंड चल रहा है, 169 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 192-195 पहला टारगेट बैठता है, तो 192 से लेकर 195 रुपए के टारगेट के लिए इमामी पेपर पर खरीदारी की राय है। जैन साहब का भी इमामी पेपर जेम स्टॉक रहा है, तो जैन साहब से भी राय तो लेनी जरूरी है। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, इमामी ग्रुप है और इमामी पेपर, क्योंकि मैंने इसीलिए अच्छा हुआ कि आपको याद भी रहा, और रीजन ये है कि इमामी पेपर मैंने रिसेंटली रेकमेंड किया, वन ऑफ द लास्ट स्टॉक्स था, क्योंकि पेपर स्टॉक्स जब एक के बाद एक सब खत्म हो जाते हैं तो फिर नया स्टॉक ढूंढने की कोशिश की थी, तो इमामी पेपर सामने आया था, फिर रुचिरा पेपर अभी मैंने रिसेंटली बोला वो सामने आया था, आंध्रा पेपर मेरे लिस्ट में था, इनफैक्ट मेरे देने की इच्छा थी बट मैं बोला बहुत सारे पेपर स्टॉक्स हो गए, ठीक है ऑलरेडी दिए हुए हैं और मेरे हिसाब से बिल्कुल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, अभी भी ये फंडामेंटली और वैल्यूएशन वाइज सब बहुत सस्ते हैं सारे पेपर स्टॉक्स। ओके, और रुचिरा भी आप देख सकते हैं 10% स्टॉक ये ऊपर हो चुका है,